Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ Realme TV अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे डिटेल दिए हुए हैं, Realme TV 32 इंच की जो है उसके सारे डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ पे MRP भी मेंशन होगा जो कि आप देख सकते हैं इसकी क्या क्वालिटी है, ये सब दिए हुए हैं। टीवी के साथ आपको बॉक्स में इंस्ट्रक्शन गाइड भी मिल जाएगा और बेसिक सेटअप गाइड भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें सारे डिटेल दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ लेंगे तो हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसमें क्या क्या क्वालिटी है, टीवी में डॉल्बी ऑडियो है, रिमोट कंट्रोल है और ये रिमोट का कौन सा बटन किस काम के लिए होता है, ये सारे डिटेल दिए हुए हैं इसमें। मैं रिमोट की बात करें तो रिमोट में कुछ सिलेक्टेड बटन दिए हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो के लिए साथ में इनपुट सिलेक्शन बटन है, वॉल्यूम प्लस और माइनस का बटन है। सेंटर में गूगल असिस्टेंस के साथ यहाँ पर आपको एक बैक बटन, होम बटन भी मिल जाएगा। टीवी के किनारों पर कोई भी पट्टी या बॉर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। टीवी की लेफ्ट, राइट और ऊपर जो पट्टियाँ हैं वो काफ़ी पतली है और नीचे आपको रियलमी लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। टीवी के नीचे थोड़ी थिक बॉर्डर लाइन है। टीवी के पीछे काफ़ी सारे कनेक्टिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। इस टीवी में आपको 24 वाट का आउटपुट साउंड मिल जाएगा। टीवी के लेफ्ट साइड की तरफ डुअल USB पोर्ट है, एक लाइन केबल के लिए पोर्ट है। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल एंटीना पोर्ट भी मिल जाएगा। RGB केबल के लिए भी पोर्ट है जिसमें कि आप डायरेक्टली केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में डिजिटल ऑडियो आउटपुट आपको मिल जाएगा। टीवी के लिए आपको दो प्लास्टिक का स्टैंड मिल जाएगा, उसके साथ उसका स्क्रू भी मिलेगा सेट करने के लिए जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे मैं सेट करके टीवी को स्टार्ट करने के लिए रखी हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी के नीचे स्टैंड ही लगाएं, आप चाहें तो वॉल माउंट भी लगवा सकते हैं, लेकिन वॉल माउंट आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। जब टेक्नीशियन का विज़िट होगा आपके एड्रेस पे आपको तब लेना पड़ेगा। वॉल माउंट के लिए आपको समथिंग 400 पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं टीवी को स्टार्ट करके देख रही हूँ। इस टीवी में आपको इंटरनल कई सारे ऐप देखने को मिल जाएंगे और आपको अगर और भी एक्स्ट्रा ऐप चाहिए तो इसमें आपको प्ले स्टोर भी मिल जाएगा। आप अपना नेट कनेक्ट करके या फिर कोई भी कनेक्शन करवा करके आप कोई सा भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या सिस्टम है, यूट्यूब, प्ले बटन, प्राइम वीडियो बहुत सारे हैं। आप अपना YouTube भी कनेक्ट कर सकते हैं इसे। इसकी क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, ये सारे डिटेल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको, रिमोट कंट्रोल के बारे में दिया हुआ